हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU। दोस्तों, बहुत सारे संगठनों का वर्णन मैं कर चुकी हूँ, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या है। दोस्तों, AIU जो है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है, यह भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ है और सभी विश्वविद्यालय को एक समान प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभिन्न कुलपतियों के एक विचार सम्मेलन ने AIU को जन्म दिया। ठीक है, और यह विचार सम्मेलन जो है 1924 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, विभिन्न कुलपतियों ने एक विचार सम्मेलन किया कि भारत में प्रमुख विश्वविद्यालय का एक संघ होना चाहिए। तो इसी विचार पर एक सम्मेलन हुआ विभिन्न कुलपतियों का। इस विचार सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 1924 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, 1924 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में यह विचार सम्मेलन हुआ और इसी विचार सम्मेलन से AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ का जन्म हुआ। ठीक, तो इसी के आधार पर AIU यानी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ का गठन 23 मार्च 1925 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से हुआ यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड IUB के नाम से हुआ। 23 मार्च 1925 को इसका गठन हुआ, IUB, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड विश्वविद्यालय संघ के नाम से। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1925 को हुआ। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड IUB के नाम से हुआ। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक, ये तो आप समझ गए कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना कब हुआ और क्यों हुआ। अब इसके कार्य क्या है? AIU के कार्य जो है, यह जो है विश्वविद्यालय के मध्य शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना इसका कार्य है। शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल और अन्य क्षेत्रों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य। ठीक है, एंड खेलों हेतु संयुक्त विश्वविद्यालय टीम का चयन करना। ठीक है, जो खेल है उन खेलों हेतु संयुक्त विश्वविद्यालय का एक टीम चयन करना भी इसका कार्य है। अब इसके उद्देश्य, AIU के पहला उद्देश्य तो ये भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ स्थापित करना चाहता था यानी कि अंतर विश्वविद्यालय के संगठन के रूप में। अभी विभिन्न विद्यालयों को सूचनाएं देना विभिन्न खेलों शिक्षाओं के प्रति, विश्वविद्यालय एवं सरकार के मध्य सामंजस्य बनाना। ठीक है, और भारत के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करना, खेलों को बढ़ावा देना, युवा कल्याण, छात्र सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, छात्र कल्याण, शिक्षक कल्याण आदि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये था AIU के बारे में यानी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो पूछा जा सकता है, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। इसे एक एक क्वेश्चन को आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो एक एक पार्ट को आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इन सब पार्टों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पर वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें से आपको यही ध्यान रखना है कि ये भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संघ है और 1924 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के तहत AIU का गठन 23 मार्च 1925 को हुआ
ठीक है, वो भी किस नाम से हुआ? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड IUB के नाम से। तो इसके कार्य और इसके उद्देश्य को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कभी कभी कार्य उद्देश्य भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको भी जानना आपको अति आवश्यक है। तो दोस्तों आई होप कि ये अच्छे समझ में आया होगा, और आगे भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में फुल डिटेल में बताने वाली हूँ, एंड और शैक्षिक संस्थानों के बारे में जो सारी शिक्षा खेलों को में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उसके बाद मैं सारी शिक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि खेल प्रशिक्षण, परीक्षण मापन मूल्यांकन, इन सब के बारे में, और खेल मनोविज्ञान, और जो चोटें हैं, रोग हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड डोपिंग वगैरह जितने भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में मैं वीडियो लाऊंगी, क्योंकि अभी एग्जाम होने में काफी देर है, तब तक मैं सभी टॉपिक को वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। फिर भी आप अपने जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, और जो भी आपके मन में डाउट हो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो मैं आप उसको कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।